एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक टॉप और ट्यूनिट्स का हॉल, और काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी आपकी टॉप्स के हॉल के लिए, ट्यूनिट्स के हॉल के लिए, तो वही हॉल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा फर्स्ट हॉल है जो मैं आजियो से शेयर कर रही हूँ। इस बार जो मैंने शॉपिंग की है वो आजियो से की है, और इसमें गाइस आपको टॉप्स भी मिल जाएंगे, ट्यूनिट्स भी मिल जाएगी, टी शर्ट भी मिल जाएगी। एंड इसमें जो मैंने प्राइस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैंने सभी मतलब जो है ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में है, सभी बहुत ही नॉर्मल प्राइस में मैंने सेलेक्ट किए हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, सभी के फैब्रिक बहुत अच्छे हैं, प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, और सभी जो है अलग अलग डिज़ाइन में मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। अब चलिए मैं फटाफट से आपके साथ सारे टॉप्स और ट्यूनिक शेयर करती हूँ, तो विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट वाला टॉप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एक ऑफ शोल्डर पिंक कलर का प्रिंटेड टॉप। एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये प्रिंटेड टॉप है, बहुत ही सुंदर सा इस पर क्यूट सा प्रिंट किया हुआ है। एंड ये है एक ऑफ शोल्डर का टॉप। मैंने मतलब एक तो आजियो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आती है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत कम रहती है। अगर आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले एक बार आपको शॉपिंग करनी है तो आप एक बार आजियो पे ज़रूर चेक कर लें वो चीज़, क्योंकि आजियो पे वो चीज़ का है जो प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है, जो अदर ऐप पर रहता है उससे कम प्राइस आपको आजियो पे मिल जाएगा। तो शॉपिंग करने से पहले एक बार आप आजियो ज़रूर चेक करें। और बहुत से लोग होते हैं जिनको आजियो के बारे में पता नहीं होता कि डिलीवरी टाइम क्या है, आप रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आजियो में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी टाइम वो ही 6 to 7 days में मैक्सिमम डिलीवरी हो जाती है, और इसका जो रिटर्न प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट है, यानी कि अगर आप अभी रिटर्न डालेंगे तो 12 तक रिटर्न पिक हो जाएगा, और जैसे ही पिक होता है तो उसके आधे घंटे के अंदर या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर तो आपका रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा रिफंड इसका जल्दी आ जाता है, इसलिए मुझे आजियो बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोग होते हैं जिन्हें आजियो के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैंने आपको ये वाली बात बता दी है। तो इस तरीके का आपको ये ऑफ शोल्डर टॉप मिलेगा, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है इस टॉप की। एंड पिंक कलर का पूरा प्रिंटेड टॉप है, कलरफुल टॉप है, बहुत ही अच्छा कलर है, समर्स में ऐसे कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और डेनिम के ऊपर या फिर आप शॉर्ट्स के ऊपर इसे वियर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश सा कूल सा लुक मिलता है। एंड क्वालिटी की बात करती हूँ, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, रियोन का फैब्रिक है। एंड इसमें जो मेरा साइज़ है वो है एम साइज़, इसमें आपको आजियो पे स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक का साइज़ मिल जाएगा, आप उस अकॉर्डिंग साइज़ चार्ट देख के परचेज़ करें। तो इस तरीके का आपको ये वाला फर्स्ट टॉप मिलने वाला है। अब जो सेकंड वाला टॉप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है कुछ ट्यूनिक का है, मैंने जो मतलब टॉप्स और ट्यूनिक दोनों मिक्स में लेके आई हूँ, और टी शर्ट्स भी हैं। तो ये इस तरीके का कुछ ये वाला ट्यूनिक है, एंड ये वाला पूरा जो है फ्लावर प्रिंट में, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये ट्यूनिक है। एंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, पूरा कॉटन का है, तो ये समर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, कंफर्टेबल भी है। एंड मतलब जिनकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा होती है उन पर भी ट्यूनिक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब जिनकी हेल्थ कम होती है उन पर कम अच्छे लगते हैं, बट जिनकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा है उन पर ये ट्यूनिक बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये थोड़े लूज़ होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो लुक आता है वो बहुत ही कूल लुक आता है। इस तरीके का ये पूरा फ्लावर प्रिंट ट्यूनिक मिलेगा, एंड इस पर जो प्रिंट किया गया है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्वालिटी कॉटन है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे इस तरीके के ये दो टसल्स दिए, और यहाँ पे ऐसे ही बजने वाले इसमें घुंघरू लगाए हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, बहुत ही कूल लगते हैं वियर करने पर, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला टॉप। इसे चाहे तो आप पैंट के साथ वियर करें, डेनिम के साथ वियर करें, उस अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है। क्वालिटी सच में मैं बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाइए चेकआउट कर लेना। तो इस तरीके का आपको ये स्लीवलेस ट्यूनिक मिलेगा, इसमें स्लीव नहीं मिलेगी, स्लीवलेस मिलेगा। एंड इसमें भी मेरा साइज है जो एम है, इसमें आपको स्मॉल से लेकर डबल एक्सल तक का साइज मिल जाएगा। तो गाइस जो नेक्स्ट वन टॉप है ये कुछ इस तरीके का बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा टॉप है, एंड ये वाला शर्ट टाइप में टॉप है, एंड यहाँ पे आपको इसमें जो है फ्रंट टाइप मिल जाएगा, एंड इसका प्रिंट जो है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इस तरीके का इसमें प्रिंट किया हुआ है जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। एंड ये स्लीवलेस शर्ट मिलेगी, और फैब्रिक इसका थोड़ा मैश मतलब ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर मतलब कुछ भी अल्ट्रा वगैरह वियर कर सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। सबसे अच्छा जो मुझे लगा इसका प्रिंट लगा, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही कूल सा लगता है, अगर आप वैकेशन के अकॉर्डिंग परचेज कर रहे हैं या घूमने जाना है या फिर मतलब फ्रेंड्स वगैरह के साथ बाहर आउटिंग पर जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये वाला जो है टॉप बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एंड इसका फैब्रिक जो है शिफॉन फैब्रिक में मिक्स है, शिफॉन प्लस रेयॉन दोनों फैब्रिक इसमें मिक्स है, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है टॉप का। एंड
इसमें भी जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है एम साइज़, और इसमें भी आपको जो है आजियो पे डबल एक्सल तक का साइज़ मिल जाएगा। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, आजियो पे जो रिटर्न पॉलिसी होती है वो 30 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी होती है, तो आप इसे मतलब 30 दिन तक आप आराम से इसे रिटर्न कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला टॉप बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा, बहुत ही अच्छा है, कम्फर्टेबल भी है। अब जो नेक्स्ट टॉप है ये टी शर्ट टाइप में है, टी शर्ट है एंड ये बहुत ही क्यूट सी टी शर्ट है एंड आप देखिए कितना सुंदर सा इस पर प्रिंट किया हुआ है। इस तरीके की ये वाली टी शर्ट मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात है मुझे इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब मैंने तो जितनी भी टॉप्स सेलेक्ट की हैं, जितनी भी मैंने आई है मेरे पास, सभी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। फैब्रिक वाइज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड ये वाला कुछ इस तरीके का प्रिंट मिल जाएगा। लाइनिंग में टी शर्ट है एंड यहाँ पे ये वाला प्रिंट किया हुआ है एंड आप देखिए कितना ब्यूटीफुल सा प्रिंट है ये वाला, बहुत ही क्यूट लगता है वियर करने पर। एंड राउंड नेक मिल जाएगी, स्लीव्स इसमें इतनी दी हुई है और बहुत ही अच्छा है। समर्स में भी बहुत ही कम्फर्टेबल टी शर्ट है, घूमने जा रहे हैं, वैकेशन पर जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या फिर कैसे भी अगर आप इसे वियर करना चाहें उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसमें भी मेरा साइज़ है जो है एम साइज़ है। जो नेक्स्ट वाली टी शर्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एक ब्लैक टी शर्ट। तो मुझे ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं अपने हॉल में एक ब्लैक कलर तो ज़रूर शेयर करती हूँ। तो इस तरीके की ये वाली टी शर्ट है एंड इस पर जो ये स्लोगन लिखे हुए हैं, प्रिंट किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ऐसा नहीं है वॉश करने पर चले जाएगा, वॉश करने पर ये वाला नहीं जाएगा, शाइन वाला जो है इस पर स्लोगन लिखा मतलब प्रिंट किया हुआ है इस तरीके का एंड आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। राउंड नेक टी शर्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल टी शर्ट है, जीन्स के ऊपर, डेनिम के ऊपर बहुत अच्छी लगती है, पैंट के ऊपर राउंड नेक मिल जाएगी। एंड इसमें भी जो मैंने साइज़ है मेरा एम साइज़ है, ये लेंथ इसकी इस वाली टी शर्ट से थोड़ी ज़्यादा है, ये थोड़ी शॉर्ट लेंथ में है, ये थोड़ी लॉन्ग है, तो उस अकॉर्डिंग ये वाली भी बहुत अच्छी लगी। अब जो नेक्स्ट वन ट्यूनिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ इस तरीके का वाइट कलर का प्रिंटेड ट्यूनिक है एंड जब मैंने इसको फ़ोटो में देखा था मुझे रियली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, बहुत ही अमेजिंग लगा, लेकिन जब मुझे मिला उससे ज़्यादा अमेजिंग मुझे रियल में मिलने पे लगा। इस तरीके का है, हाई लो ट्यूनिक है ये वाला, इस तरीके का ये वाला फ्लावर प्रिंट में मिल जाएगा एंड इस पर जो प्रिंट किया गया है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रिंट है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। कॉटन है, समर्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है एंड वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब इस तरीके के ट्यूनिक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं वियर करने पर, बहुत ही कम्फर्टेबल भी फील होता है। तो ये वाला ट्यूनिक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, सब में से सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये वाला ट्यूनिक आया। स्लीवलेस ट्यूनिक मिलेगा, राउंड नेक मिल जाएगी एंड इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है मीडियम साइज़, इसमें भी आपको डबल एक्सल तक का साइज़ मिल जाएगा। लाइनिंग इसमें अंदर नहीं दी हुई है, कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, वॉश करने पे भी बहुत ही सही रहता है ये वाला फैब्रिक। तो ये वाला टॉप आप मस्ट बाय है, आप ज़रूर से ज़रूर कोई बाय करना चाहते हैं तो ये वाला ट्यूनिक ज़रूर से ज़रूर बाय करें। टॉप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एक पेपलम टॉप, ये वाला जो मैंने सेलेक्ट किया ये पेपलम टॉप मैं आपके लिए लेके आई हूँ और यहाँ पे इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सी नीटली एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड ये एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से की हुई है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये वाली एम्ब्रॉयडरी। एंड इसमें जो मैंने साइज़ परचेज़ किया है वो है एम साइज़, इसमें भी आपको एक्सेल तक का साइज़ जो है अजियो पे मिल जाएगा, आप साइज चार्ट देख के परचेज कर लें। एंड इसका जो फैब्रिक है वो है कॉटन फैब्रिक, प्योर कॉटन फैब्रिक है तो थोड़ा श्रिंक हो सकता है, तो आप अपने से एक नंबर बड़ा साइज़ परचेज़ कर सकते हैं, मैंने तो इसमें एम साइज़ ही परचेज़ किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है और वियर करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस जो लास्ट वन टॉप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुअली ये थोड़ा कुर्ती टाइप में टॉप है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिंट किया हुआ है एंड इसका जो है मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक सा प्रिंट है, कलर भी बहुत ही यूनिक है, तो ये वाला टॉप मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। जितने भी टॉप मैंने आज आपको दिखाए हैं सभी बहुत अच्छे हैं और आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही सुंदर सा प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे गोल्डन लेस लगवाई हुई है एंड रियली बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा स्लीवलेस टॉप मिल जाएगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये वाला टॉप वियर करने पर, कुर्ती स्टाइल है तो बहुत ही अच्छा लगता है वियर करने के बाद। जो है पीछे की साइड पर ये वाला प्रिंट किया हुआ है, यही वाला सेम प्रिंट इन्होंने आगे की साइड दिया हुआ है, नेक पे इस तरीके का डिज़ाइन दिया हुआ है, राउंड नेक दी है, तो इस तरीके का ये वाला टॉप मिलने वाला है। गाइस आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में है बेल आइकन जरूर से ज़रूर डन कर देना जिससे फटाफट से आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।